नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए जो पहले चरण का प्रचार है वो अपने अंतिम दौर में है। हम इस समय तमिलनाडु में है, राजधानी चेन्नई में है। मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमिलनाडु बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री केशवन जी। केशवन जी, आपका प्रभात साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्रचार का अंतिम दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं, आपने अपनी जो बात है वो मतदाताओं तक पहुंचाई है। वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें आप क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं, तमिलनाडु की जनता कितने कमल मोदी जी को देने वाली है? नमस्ते नीरज जी, और आप और प्रभा साक्षी को तमिलनाडु की ओर से स्वागत। एक बहुत अच्छा असर पड़ा है मोदी जी का, और मोदी जी का गारंटी जो है वो पूरा उनका प्रबल असर हम देख सकते हैं। तमिलनाडु में आप कई साल से ये जो सामाजिक न्याय के बारे में द्रविड़ियन पार्टीज बोलते हैं, एम्प्टी रेटरिक है, मगर सच्ची सामाजिक न्याय जो है मोदी जी ने ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिलीवरी ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम्स, करप्शन के बिना करप्शन फ्री गवर्नेंस उन्होंने दिया। खास करके तमिलनाडु को 11 लाख करोड़ डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए डायरेक्ट डीबीटी के जरिए उन्होंने दिया। लोगों ने, तमिलनाडु के लोगों ने इसको देखा और बहुत उसको असर पड़ा कि ये जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया का उसमें उन्होंने भी शामिल करना उनको, इसीलिए वो बहुत समर्थन दे रहे। आप अभी वर्तमान में मोदी जी का रोड शो हुआ चेन्नई में, इतना प्यार, इतना समर्थन, इतना आदर मिला उनको। ये डीएमके और ये कांग्रेस जो है, ये जो इंडी गठबंधन, उनका बहुत रैटल कर दिया। और मैं खास करके ये बोलना चाहता हूँ, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन डीएमके और कांग्रेस ने कर रही है, और बहुत विडंबना है इनके जो कैंपेन में है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। ये लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाना है, और बात बहुत अजीब लग रहा है पीपल को, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने इमरजेंसी लागू किया, उन्होंने स्टालिन को जेल में डाला, सीएम तमिलनाडु सीएम डीएमके का। लोग बोलते हैं कि ये दोनों मिलके कैसे बचाएंगे डेमोक्रेसी को, और ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अंतरात्मा है। सबको पता है कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे सबवर्ट किया 42nd अमेंडमेंट के जरिए, और खास करके प्रीएम्बल 7 शेड्यूल नहीं, 40 आर्टिकल्स का संशोधन अमेंडमेंट किया उन्होंने, ये सब वो जानते हैं। और अभी रिसेंटली बहुत बड़ा एक्सपोजे हुआ आरटीए डॉक्यूमेंट्स के जरिए, फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक इंटरव्यू दिया दिल्ली में। ये जो कच्चे तीवू का मामला है, बहुत संवेदनशील है ये कच्चे तीवू का मामला है, और अभी उनको पता चला कि कैसे, हम सब बोलते हैं कि शकुनी जैसा मैच फिक्सिंग किया कांग्रेस और डीएमके ने, शकुनी जैसा मैच फिक्सिंग दोनों मिलके कच्चे तीवू को बेच दिया। और जो हमारा फिशरमैन ब्रदर्स सिस्टर्स है, रोज अभी वो जाते हैं उन पर गोली चलाते हैं, उनको इम्प्रिजन करते हैं, इसके कारण कच्चे तीवू को उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जब ये उभर के आया, बहुत गुस्सा है लोग में, और मैं इसको ऐसे में सिनॉप्सिस में मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूँ, ये जो डीएमके कांग्रेस का वायरस जो है तमिलनाडु में, लोग जब कोविड हुआ नीरज जी, मोदी जी का जो वैक्सीन था सबको बचाया, जो डीएमके कांग्रेस वायरस के तमिलनाडु को लोग, अभी उनको पूरा विश्वास है मोदी जी पर कि मोदी जी का जो गारंटी है वही वैक्सीन है इनको पराजय करने के लिए, डीएमके कांग्रेस वायरस को। जी, और आपने चूंकि मोदी जी की गारंटी की बात करी है, बीजेपी का संकल्प पत्र आ चुका है, आप तमिलनाडु के लिए उसमें क्या खास तौर पर देखते हैं कि संकल्प पत्र में ऐसा क्या है कि तमिलनाडु की जनता आपके लिए वोट करे? कल जब परसों जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, उन्होंने खास करके बोला कि तिरुवल्लुवर सेंटर, ये जो सांस्कृतिक सेंटर है, उनको पूरा दुनिया के जो भी कैपिटल है उनमें वो खोल देंगे, क्योंकि ये उनको, लोगों को पता चलता है कि कितने रेस्पेक्ट करते हैं तमिल, जो भी तमिल संस्कृति है, परंपरा है, और उन्होंने खास करके उसके बारे में बोला। और ये जो स्कीम्स उन्होंने दिया तमिलनाडु के लिए, ये जो पीएम आवास योजना है, मेरे घर में, आप यकीन नहीं करेंगे नीरज जी, मेरे घर में ये जो भी काम करते हैं उनको मिला घर। जी बिल्कुल, मैंने आपका पत्र, मैंने वो पत्र भी देखा था जो आपने प्रधानमंत्री जी को दिया था। उन्होंने ट्वीट किया, वो पहली बार उनके जिंदगी में ये सीमेंट रूफ का घर मिला,
इनका पहुंच इतना है कि मैं दोबारा आपको कहना चाहता हूं कि ये जो परकलेशन हुआ है डेवलपमेंटल स्कीम्स का तमिलनाडु में हुआ है, और उनको पता है कि ये जो जो भी डीएमके कांग्रेस कर रहे हैं, ये जो स्टिकर लगाते हैं, पहले ये स्टिकर लगाते हैं प्रधानमंत्री का जो भी स्कीम है, नहीं तो उनको रोक देते हैं, और लोगों को ये पसंद नहीं है। और रिसेंटली जब प्रधानमंत्री जी आए, एक स्पेस पोर्ट इनॉग्रेशन के लिए आया, उस समय डीएमके का ये जो मंत्री है उन्होंने चाइनीज फ्लैग लगाया इसरो रॉकेट पे। अब फर्क देखिए, क्योंकि एक एक तरफ प्रधानमंत्री जी डिफेंस कॉरिडोर खोल रहे हैं तमिलनाडु में, और ये लोग सनातन धर्म का ये, और ये मैं खास करके बोलना चाहता हूं, ये जब प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठान हुआ उसके पहले प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु आए थे, जो जो जहां भगवान राम गया वो जो स्पिरिचुअल ट्रेसिंग कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैंने भी उनको एयरपोर्ट से, मेरा बहुत भावुक मीटिंग था सबके साथ। ये जो ये जब सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, एड्स, डेंगू, मलेरिया, और खास करके बोला हम भगवान राम के दुश्मन हैं। मैं सिर्फ आप उत्तर से है, आपको शायद नहीं पता होगा, खास करके ये एक ही प्रदेश है नीरज जी, ये जो स्टेट प्रदेश का ये जो सिंबल है ना, स्टेट सिंबल तमिलनाडु का 8.5 करोड़ लोग है, उसका स्टेट सिंबल एक कोबरम है जी तमिलनाडु का। और ये लोग बोलते हैं डीएम के लोग, हम सनातन के खिलाफ है और भगवान राम के खिलाफ है, लोग कैसे इसको स्वीकार करेंगे? और और ये जो भेदभाव करते हैं, जब भी ये स्टालिन जी ने बोला ये रिलीजन के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, बांटना बहुत गलत है, मगर कौन बांटता है? जब जो भी रिलीजन का फेस्टिवल आता है, स्टालिन जी सबको बधाई देते हैं, मगर जब दीपावली और विनायक चतुर्थी आता है वो चुप है, बधाई नहीं देते हैं। ये सब देख रहे हैं लोग। और ये जो इंडिया अलायंस है, मैंने बोला कि ये एक डेन ऑफ जैकहोल्स है, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है ये, और ये भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद इनका प्रतीक है ये, और लोग ये जान चुके हैं। और जो भी, और जो मोदी जी का जो विजन है 2047 के लिए, उन्होंने खास करके बोला तमिलनाडु का जो भी भूमिका है इस विकसित भारत में बहुत बड़ा है, इसीलिए लोग अभी उनको पता है, तमिलनाडु के जो भी हमारा पब्लिक है उनको पता है कि मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के, इसीलिए ये ग्रोथ स्टोरी में हमको भी शामिल होना है, इसलिए कमल को हमको बहुत समर्थन देना है। और लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी के दौरों की बात करें, मुझे पता है आपकी व्यस्तता है, लेकिन थोड़ा सा एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं करना चाहूंगा। हमने देखा कि जैसे आपने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी प्रधानमंत्री जी लगातार तमिलनाडु के दौरे करते रहे, उससे पहले लगातार वो जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं उसको उद्घाटन करने यहां पर आते रहे, और अभी चुनाव प्रचार में भी उन्होंने तमिलनाडु को जितना वक्त इस बार दिया है उसका कभी पहले नहीं दिया था, तो क्या देखते हैं? और इस पर कटाक्ष भी कर रहा है विपक्ष की, प्रधानमंत्री एकदम बिल्कुल लालायित हो गए हैं कि मुझे किसी तरीके से जीत हासिल करनी है, तमिलनाडु में खाता खोलना है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी, जब भी आपको रिश्तेदार आपको पसंद करते हैं, बार बार आपको घर बुलाते हैं ना, जी जी जी, इसलिए तमिलनाडु के जो लोग है इतना प्यार, तमिलनाडु के हमारे लोग मोदी जी को उनके परिवार में एक हिस्सा मानते हैं, एक एल्डर जो उनको गाइड करते हैं, जो उनको फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत उनको कंसर्न है, वो मानते हैं, इसीलिए वो इतना रिसेप्शन देते हैं प्रधानमंत्री जी को, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी इतनी बार वो आते हैं चेन्नई के लिए। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं, आप देखिए 2019 में बंगाल एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, बीजेपी 2014 में सिर्फ 2 सीट जीता, मगर 2019 में 18 सीट जीता और 40% उनको समर्थन मिला। सिमिलरली इस बार तमिलनाडु में इतना बड़ा समर्थन मिलेगा, 2024 का ये जो स्टोरी है इसमें तमिलनाडु का बहुत बड़ा होगा, और आप मुड़ के देखेंगे June 4th को जब रिजल्ट्स आता है कितने सपोर्ट मिलता है मोदी जी और कमल को। जी, और आपके कहने का अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे उत्तर में एक कहा जाता है, राजनीतिक तौर पर एक कहावत रहती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, तो इस बार दिल्ली का रास्ता चेन्नई से होकर जाएगा। दिल्ली का रास्ता हमारा जो 1.4 बिलियन लोग है, 140 करोड़ पीपल, उनके दिल के जरिए है,
और वो सब हमारा मोदी जी का समर्थन करते हैं, और तमिलनाडु भी जरूर एक बहुत बड़ा भूमिका तमिलनाडु का होगा इस बार। जी धन्यवाद केशवन जी, आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और बड़ी प्रखरता के साथ अपने मुद्दों को रखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।